देर हो गई जब तो इतने कम बच्चे आए। प्रवीण म्यूटर सर नमस्ते सर। इस परीक्षा में आएगा हम बता दे पत्र लिखवाया जाएगा आपको और जो पत्र परीक्षा से संबंधित होंगे पृथ्वी म्यूट कर ले खुद को पीपीटी टेस्ट के लिए मैथ्स में वो पत्र आपको करवाया जा रहा है प्रवीण म्यूट हो सर। प्रवीण म्यूट ऑफ कर टॉपिक पर इसे पेयजल संकट पीने के पानी की कमी होना पीने का पानी अधिक मात्रा में ना मिलना उस संकट को दूर करने के लिए इस परेशानी को दूर करने के लिए जल बोर्ड अधिकारी को एक पत्र लिखें। यह आपका टॉपिक है ध्यान पूर्वक देख लीजिए और समझ लीजिए इसमें आप देख लीजिए। सबसे पहले सेवा में क्योंकि ये कार्यालय पत्र है शिकायती पत्र की तरह ये दिया था सेवा में फॉर्मल बोल रहे हैं सर औपचारिक पत्र है। ओके सर दिख रहा है समस्या टॉपिक लिखा गया है पेयजल संकट की समस्या सर सर प्लीज स्क्रीन का कैमरा लेफ्ट साइड कैसे
आप सुखांत पूरा बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, जो आप जल बोर्ड बोर्ड दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है ये सही बोल रहा है। इसी में आपके हाथ में है सभी ने निवेदन यह है कि उत्कर्ष मूड कर ले बोलिए मां सर, सबको लगातार लिखना है या फिर एक एक लाइन छोड़ के लिखना है? एक एक लाइन छोड़ के लिखिए, पहले ये लिखिए, आप पहले टॉपिक लिख लीजिए, पहले ये लिखोगे इसके बाद एक लाइन छोड़ के इसे रख लीजिए आप मिडिल में, सुनो मिडिल में, इसके बाद नीचे की लाइन रख लीजिए, लेकिन महोदय फिर एक लाइन छोड़ के फिर महोदय से यहाँ स्टार्ट करके नीचे तक रिपीट करना है सर। विषय के पास पर एक लाइन छोड़ के फिर महोदय लिखना है क्या? सर जब महोदय लिखे आप वो विषय के बाद एक लाइन छोड़नी है। हाँ ओके सर। महोदय किस तरह से आपका साफ सुथरा दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे, वही ध्यान रखो। पहला महोदय महोदय सर आपने महोदय के बाद क्या लिखा है? महोदय के बाद सभी नए, सभी नए स्टेप भी होता है ना, सभी नए
सर पानी की पूर्ति मतलब पानी की क्या पानी की पूर्ति पानी की तो जरूरत है जरूरत पूर्ति मतलब जरूरत ओके सर ओके अपने विषय में जल संकट की क्या आगे क्या लिखा है जल संकट की समस्या पीने के पानी की समस्या मतलब सुनो ये धन्यवाद सर प्लीज दो मिनट रुक जाइए अभी और बताइए ना इस तरह से आपका पता आएगा तो इसको आप कर लें बड़े अच्छी तरह से कर लीजिए इसको है ना परीक्षा का ये महत्व भी रहेगा ये उसके बाद एक पत्र हम और देंगे आपको ये पत्र कर लीजिए पहले फिर दूसरा पत्र आपको दिया जाएगा ये जो भी चीज दी जा रही है एग्जाम से संबंधित है बहुत ही महत्वपूर्ण है मतलब इसको आप पढ़ते रहिए चाहे व्याकरण चाहिए व्याकरण पाठ है कर ले खरे इसके बाद आप जल्दी कर लीजिए तो फिर आप पढ़ेंगे तो टाइम से बिता दोगे तो फिर एक दिन का छुट्टी है फिर बाद में आप पास आएंगे फिर ना हो फिर पता है ना ये भी नहीं मालूम कहीं पर भी आपको डाउट किसी भी तो आप पूछ सकते हैं ये बहुत अच्छी बात है पूछ लीजिए आप अच्छा मैं आपकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए जैसी आप कर ले आप हमें बताएंगे फिर हम आगे का पत्र आपको देंगे अभिलंब बिना देर किए हुए पत्र को करने के बाद हम अगला पत्र आपको देंगे जिस हिसाब से पत्र आपके सामने लिखा गया प्रस्तुत किया गया एक है आपका पत्र था तो एक बार आपके सामने पढ़ा जाएगा जिससे कोई भी डाउट है वो है कि आपका क्लियर हो जाएगा जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए जल बोर्ड अधिकारी को एक पत्र लिखें यह आपका पत्र का प्रश्न था और इसमें देखिए सेवा में जल बोर्ड अधिकारी जिला चित्तौड़गढ़ जल संकट की समस्या महोदय
सभी ने निवेदन दिया है कि हमारे खेत दावा भाटा में पानी की पूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही है। इस भयंकर गर्मी के समय 15 मिनट पानी दिन में धीमी गति से आ रहा है, जिसके कारण पीने का पानी तक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। पाइपलाइन टूटी होने के कारण ऐसा हो रहा है। आप इस संबंध में उचित कार्रवाई का आदेश जारी करें। आपसे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी इस परेशानी को शीघ्र दूर करवाएंगे। धन्यवाद। सुनो, वर्ष के बाद फिर दिनांक है आपकी 9/7 के भवदीय। भवदीय मतलब लिखने वाला, संयोजक। संयोजक मतलब सबके सहयोग से संयोजक मोहल्ला समिति। सर हाँ जी, सर जो आपने आप इस संबंध में उचित कार्रवाई का आदेश जारी करें के बाद नीचे वाली लाइन में जो लिखा है वो हमें भी वैसे ही लिखना है। उसके आगे चलते हैं। नीचे क्या है? सर हो गया। सर नोटेड। आपकी तरफ बीच में लिखना है वो। ये आपने सही लिखा, इसके बाद जो है दूसरे लोग भी करने के फिर हम रख करेंगे और अगला प्रश्न आपको देंगे पत्र से संबंधित। सर अब कर दीजिए, हो गया। सर प्लीज रबी मत रब दीजिए। आपसे आशा ही नहीं है। सर अभी रुक जाइए और करने दे। उसके लिए आपको ऐसे टाइम दिया जाएगा औसत समय, बहुत से जल्दी कर लेते हैं बहुत से देर में करते हैं, दोनों का टोटल करके जो औसत समय आता है वो समय दिया जाएगा। सर ये भाई कर दे। हाँ सर, ये आपसे आशा वाली लाइन हमें बीच से स्टार्ट करनी है लाइन के। सर आगे। सर आपने वो असाइनमेंट पोस्ट किया था कि डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th वाला। हां जी किया था मैंने, तो उसमें सर हां सर सर उसमें डिटेल चाहिए करो, और जो है सीएस जी के नंबर यस सर। सर उसमें डिटेल मांगी, रेसिडेंटल एड्रेस, ब्लड ग्रुप, सीएचएस नंबर, जीमेल एड्रेस, आधार नंबर और फी डिटेल्स। हां वो आप दे दीजिए सर। फी का आप लिख के नंबर लिखते हैं रेफरेंस नंबर। सर उसे किस लिए मतलब वो चाहिए डिटेल्स किस लिए चाहिए वो? वो डिटेल्स आपके पास में लिखनी है ना, मतलब रजिस्टर में लिखी जाएगी फिर आपके डिपार्टमेंट में रहेगी सब में रहेगी। सर इसलिए आपने अर्जेंट लिखा उसे है? आपने उसे अर्जेंट लिखा है ना नीचे। हाँ तो कर दीजिए ना, अगर आपका उपलब्ध है तो आप कर दीजिए जल्दी, मैंने जो भी है ना। ओके सर, फोटो का है भी वैसे करके भेज दे भेज दूं, है भी हमारे पास, ऐसी वाली बात नहीं है। फिर फॉर्मेट लिख दिया मैं। सर धन्यवाद, एक लाइन छोड़ के लिखना है। सर दिनांक धन्यवाद के आगे लिखनी है क्या उससे नीचे वाली लाइन में? धन्यवाद के बाद फिर थोड़ा आगे दिनांक लिख देना, फिर भवदीय लिखा है, भवदीय है ना, नीचे कोमा के नीचे, उसके नीचे लिखना संयोजक मोहल्ला समिति, भवदीय थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के सीधी निकट है ना। और
डन सर। ओके इसके बाद मतलब रहा कि मैंने सभी ने कर लिया होगा ऐसा हमारा मानना है ना। तो इस प्रकार से बिना देरी किए हुए आपको एक पत्र लिखवा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से नोटिस सर। ओके यार दो मिनट नोटिस ठीक है। सर दो मिनट रुक जाइए। स्क्रीनशॉट ले ले नहीं तो तू यार हो गया रफ कर दीजिए। आप करिए करिए नहीं तो तो Side. चलिए ये पत्र भी औपचारिक है सर। ये पत्र औपचारिक है या अनौपचारिक? ये पत्र फॉर्मल है सर, औपचारिक पत्र है। नीचे वाला ये जो अनौपचारिक पत्र है ये वाला औपचारिक पत्र बताया है ना। ये अनौपचारिक होगा, ये फॉर्मल है जो आप कह रहे पूछ रहे हैं। ये आपने कर लिया होगा? Yes, सर एक मिनट रुक जाइए। सर अब कर लिया कब का? चलो ठीक है आप करो। तो इस प्रकार से आपका यह कार्य कंप्लीट हो गया होगा। सर मैं क्वेश्चन लिख लिया। Okay.
सर आपने महोदय के बाद क्या लिखा है? इसके स्वामी ने लिखा है। सर और कितना है यह पत्र? Thank you.
सर सेवा के आगे तो नाम लिखनी है। हाँ सेवा सेवा मत करना, उसके आगे थोड़ा सा सर के थोड़ा बीच में ना। जिस प्रकार से ये पत्र था आपके लिए, आपके सिलेबस के लिए, तो दो पत्र आपके एक पत्र का काम पूरा हो गया। दोनों पत्र महत्वपूर्ण है ना। पहला वाला भी बहुत अच्छी तरह पढ़ पढ़िए। हाँ बोलिए सर। पिछले पत्र में अपने दिनांक नीचे लिखवाई थी, इस पत्र में दिनांक ऊपर हमें लिखनी कहाँ है? इसमें ऊपर लिखनी है, इसमें नीचे वाले तो किस तारीख को लिखा गया ना, तो बाहर जा रहा है ना, तो स्कूल में आ रहा है ना, इसे ऊपर लिखी जाएगी। स्कूलों के पत्र ऊपर लिखी जाती है, स्कूल वाले पत्र तो भी होते हैं छुट्टी के, इसमें ऊपर लिखी जाती है। ओके सर। ये कर ले आप। सर आज इतना ही करवाएंगे क्या? इस प्रकार से दोनों प्रकार के पत्र कर लिए, कार्यमल करवाया आप लोगों को जानकारी दी जाएगी है ना। अगले वीडियो में इसको आप अच्छे से कर लिए, वर्षा ऋतु का निबंध आपने तैयार कर लिया होगा, वैसे आप होमवर्क कर दिया था पहले, और भी निबंध अगर मान लो भाई जन्म नहीं आया तो एक तो और करना पड़ेंगे, तो हम करवा देंगे आपको। और इन पत्रों को दोनों को याद कर लेंगे आप अच्छी तरह से, बाकी भी पढ़ना हो रिविजन तो हम देंगे आपको, व्याकरण का भी थोड़ा बताना बाकी है। चलिए मुहावरे आपके संस्कृत पहले हमने एमसीक्यू के प्रश्न व्याकरण दिए थे, वो सभी आप याद कर लीजिए, और संस्कृत का पीरियड इसके बाद होगा ना, उसका चिंता बाद में होगा, अभी तो जो पीरियड चल रहा उसकी बात है, इसको करिए। डन सर। ये कर लिया आपने? यस सर। ओके तो ठीक है फिर। नोटेड सर। ठीक है नोटेड सर। ठीक है पढ़ते रहिए। तो इसके बाद आपने कर लिया होगा, जल्दी करना है अभी, थोड़ा समय बचा है इसका, और आज का इतनी रहेगा कि सर कंप्लीटेड ड्रॉप कर दीजिए। सर हो गया। हो गया ठीक है। इसके बाद अगला पीरियड आपका संस्कृत का है, कोई काम होगा? नवीन कुमार मीना प्रेजेंट सर। ठीक है सर नवीन प्रेजेंट। हां नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे, वैसे इसमें तो आप प्रेजेंट हैं, वैसे दोनों को मिलाकर के हुआ है समझो। ओके ये सही है, प्रेजेंट तो आप अभी लास्ट तक रहिए, अभी लास्ट का हुआ है।
दीपांशु सिंह प्रेजेंट।